वॉचिंग इंग्लिश विद जीनत। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैंने वुड की एक फर्स्ट वीडियो करा दी है, ये सेकेंड वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखें देन इस वीडियो को देखें। लेट्स गेट स्टार्ट। यूज ऑफ वुड हैव। वुड हैव चुका होता है, चुका होता, लिया होता या आ होता। चुका होता, लिया होता या आ होता। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका होता या लिया होता या आ होता रहे उस क्रिया का अनुवाद वुड हैव में होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ वुड हैव का प्रयोग किया जाता है, लाइक ही, शी, इट, राम, श्याम एक्सेट्रा। अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं वुड हैव के, वुड हैव का प्रयोग सीखें। जैसे आई वुड हैव ईटन, थर्ड फॉर्म यूज होगी वुड हैव में। आई वुड नॉट हैव ईटन, वुड आई हैव ईटन एंड व्हाई वुड आई हैव ईटन। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, मैं खा चुका होता, आई वुड हैव ईटन, हम लोग खा चुके होते, वी वुड हैव ईटन। सेकेंड पर्सन, आप खा चुके होते, यू वुड हैव ईटन, आप लोग खा चुके होते, यू वुड हैव ईटन। थर्ड पर्सन, वे राम खा चुका होता, ही शी इट राम वुड हैव ईटन, वे लोग या लड़के खा चुके होते। दे द बॉय वुड हैव ईटन, दे द बॉय वुड हैव ईटन। फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं अंग्रेजी सीख चुका होता, आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है वुड हैव में, आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश। सेकेंड इज, हम लोग वहाँ जा चुके होते, वी वुड हैव गॉन देयर, हम लोग वहाँ जा चुके होते, वी वुड हैव गॉन देयर। थर्ड इज, आप पत्र लिख चुके होते, You would have written a letter. आप पत्र लिख चुके होते, You would have written a letter. You would have written a letter. Third is, आप अपना काम कर चुके होते, You would have done your work. आप अपना काम कर चुके होते, You would have done your work. Fifth is, आप लोग चाय पी चुके होते, You would have drunk tea. आप लोग चाय पी चुके होते, यू वुड हैव ड्रंक टी। सिक्स्थ इज, आप लोग मछली खा चुके होते, यू वुड हैव ईटन फिश। आप लोग मछली खा चुके होते, यू वुड हैव ईटन फिश, यू वुड हैव ईटन फिश। सेवन्थ इज, राम अपने कमरे की सफाई कर चुका होता, राम वुड हैव क्लीन हिज रूम। राम अपने कमरे की सफाई कर चुका होता, राम वुड हैव क्लीन हिज रूम, राम वुड हैव क्लीन दिस रूम। एट्थ इज, सबीना उसे ये बात बता चुकी होती, सबीना वुड हैव टोल्ड हिम दिस मैटर। सबीना उसे ये बात बता चुकी होती, सबीना वुड हैव टोल्ड हिम हिज मैटर। नाइन्थ इज, उन लोगों ने मुझे रुपए दिए होते, दे वुड हैव गिवन मी मनी। उन लोगों ने मुझे रुपए दिए होते, दे वुड हैव गिवन मी मनी। बच्चों ने आपसे वे सवाल पूछा होता, द चिल्ड्रन वुड हैव आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन। बच्चों ने आपसे ये सवाल पूछा होता, द चिल्ड्रन वुड हैव आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन। वुड हैव का नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, ही शी इट या राम प्लस वुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज, मैंने हिंदी नहीं सीखी होती, आई वुड नॉट हैव लर्नड हिंदी। मैंने हिंदी नहीं सीखी होती, आई वुड नॉट हैव लर्नड हिंदी। हम लोग वहाँ नहीं गए होते, वी वुड नॉट हैव गॉन देयर। हम लोग वहाँ नहीं गए होते, वी वुड नॉट हैव गॉन देयर। थर्ड इज, आपने पत्र नहीं लिखा होता, यू वुड नॉट हैव रिटन अ लेटर। आपने पत्र
नहीं लिखा होता, यू वुड नॉट हैव रिटन अ लेटर। फॉर दिस, आपने अपना काम नहीं किया होता, यू वुड नॉट हैव डन योर वर्क। आपने अपना काम नहीं किया होता, यू वुड नॉट हैव डन योर वर्क। यू वुड नॉट हैव डन योर वर्क। फिफ्थ इज, आप लोगों ने चाय नहीं पिया होता, यू वुड नॉट हैव ड्रंक टी। आप लोगों ने चाय नहीं पिया होता, यू वुड नॉट हैव ड्रंक टी। सिक्स्थ इज, आप लोगों ने मछली नहीं खाया होता, यू वुड नॉट हैव ईटन फिश। आप लोगों ने मछली नहीं खाया होता, यू वुड नॉट हैव ईटन फिश। सेवन्थ इज, राम ने अपने कमरे की सफाई नहीं की होती, राम वुड नॉट हैव क्लीन्ड हिज रूम। राम ने अपने कमरे की सफाई नहीं की होती, राम वुड नॉट हैव क्लीन्ड हिज रूम। एट्थ इज, सुहाना उसे ये बात नहीं बताई होती, सुहाना वुड नॉट हैव टोल्ड हिम दिस मैटर। सुहाना ने उसे ये बात नहीं बताई होती, सुहाना वुड नॉट हैव टोल्ड हिम दिस मैटर। नाइन्थ इज, उन लोगों ने मुझे रुपए नहीं दिए होते, दे वुड नॉट हैव गिवन मी मनी। उन लोगों ने मुझे रुपए नहीं दिए होते, दे वुड नॉट हैव गिवन मी मनी। टेंथ इज, बच्चों ने आपसे ये वे सवाल नहीं पूछा होता, द चिल्ड्रन वुड नॉट हैव आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन। बच्चों ने आपसे वे सवाल नहीं पूछा होता, द चिल्ड्रन वुड नॉट हैव आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे वुड का। सबसे पहले वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या यूज़ होगा, वुड, फिर सब्जेक्ट एंड नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका होता, वुड आई हैव लर्नड इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीख चुका होता, वुड आई हैव लर्नड इंग्लिश। सेकेंड इज, क्या हम लोग वहाँ जा चुके होते, वुड वी हैव गॉन देयर। क्या हम लोग वहाँ जा चुके होते, वुड वी हैव गॉन देयर। थर्ड इज, क्या आप पत्र लिख चुके होते, वुड यू हैव रिटन अ लेटर। क्या आप पत्र लिख चुके होते, वुड यू हैव रिटन अ लेटर। वुड यू हैव रिटन अ लेटर। फोर्थ इज, क्या आप अपना काम कर चुके होते, वुड यू हैव डन योर वर्क। क्या आप अपना काम कर चुके होते, वुड यू हैव डन योर वर्क। फिफ्थ इज, क्या आप लोग चाय पी चुके होते, वुड यू हैव ड्रंक टी। क्या आप लोग चाय पी चुके होते, वुड यू हैव ड्रंक टी। वुड यू हैव ड्रंक टी। सिक्स्थ इज, क्या आप लोगों ने मछली नहीं खाया होता, वुड यू नॉट हैव ईटन फिश। क्या आप लोगों ने मछली नहीं खाया होता, वुड यू नॉट हैव ईटन फिश। सेवन्थ इज, क्या राम ने अपने कमरे की सफाई नहीं की होती, वुड राम नॉट हैव क्लीन हिज रूम। क्या राम ने अपने कमरे की सफाई नहीं की होती, वुड राम नॉट हैव क्लीन हिज रूम। एट्थ इज, क्या टीना उसे ये बात नहीं बताया होता, क्या टीना ने उसे ये बात नहीं बताया होता, वुड टीना नॉट हैव टोल्ड हिम दिस मैटर। वुड टीना नॉट हैव टोल्ड हिम दिस मैटर। नाइन्थ इज, क्या उन लोगों ने मुझे रुपया नहीं दिए होते, वुड दे नॉट हैव गिवन मी मनी। वुड दे नॉट हैव गिवन मी मनी। टेंथ इज, क्या बच्चों ने आपसे वे सवाल नहीं पूछा होता, वुड द चिल्ड्रन नॉट हैव आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन। वुड द चिल्ड्रन नॉट हैव आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन। अब हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे वुड का। वैन वाई हाउ एक्सेट्रा का प्रयोग, वैन वाई हाउ प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैसे यूज़ करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं कैसे अंग्रेजी सीख चुका होता, हाउ वुड आई हैव लर्नड इंग्लिश। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है इसमें, मैं कैसे अंग्रेजी सीख चुका होता, हाउ वुड आई हैव लर्नड इंग्लिश। सेकेंड इज, हम लोग क्यों वहाँ जा चुके होते, वाई वुड वी हैव गॉन देयर। हम लोग क्यों वहाँ जा चुके होते, वाई वुड वी हैव गॉन देयर। थर्ड इज,
आप कैसे पत्र लिख चुके होते? हाउ वुड यू हैव रिटन अ लेटर? आप कैसे पत्र लिख चुके होते? हाउ वुड यू हैव रिटन अ लेटर? हाउ वुड यू हैव रिटन अ लेटर? फोर्थ इज, आप क्यों अपना काम कर चुके होते? वाई वुड यू हैव डन योर वर्क? आप क्यों अपना काम कर चुके होते? वाई वुड यू हैव डन योर वर्क? वाई वुड यू हैव डन योर वर्क? फिफ्थ इज, आप लोग कैसे चाय पी चुके होते? हाउ वुड यू हैव ड्रंक टी? आप लोग कैसे चाय पी चुके होते? हाउ वुड यू हैव ड्रंक टी? सिक्स्थ इज, आप लोगों ने क्यों मछली नहीं खाया होता? वाई वुड यू नॉट हैव ईटन फिश? वाई वुड यू नॉट हैव ईटन फिश? सेवन्थ इज, रेशमा ने कैसे अपने कमरे की सफाई नहीं की होती? हाउ वुड रेशमा नॉट हैव क्लीन हिज रूम? रेशमा ने कैसे अपने कमरे की सफाई नहीं की होती? हाउ वुड रेशमा नॉट हैव क्लीन हिज रूम? एट इज, शिवानी क्यों उसे ये बात नहीं बताई होती? वाई वुड शिवानी नॉट हैव टोल्ड हिम दिस मैटर? वाई वुड शिवानी नॉट हैव टोल्ड हिम दिस मैटर? नाइन्थ इज, उन लोगों ने कैसे उसे रुपये नहीं दिए होते? हाउ वुड दे नॉट हैव गिवन हिम मनी? उन लोगों ने कैसे उसे रुपये नहीं दिए होते? हाउ वुड दे नॉट हैव गिवन हिम मनी? टेंथ इज, बच्चों ने क्यों आपसे वे सवाल नहीं पूछा होता? वाई वुड द चिल्ड्रन नॉट हैव आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन? बच्चों ने क्यों आपसे ये सवाल वे सवाल नहीं पूछा होता? वाई वुड द चिल्ड्रन नॉट हैव आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन? उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स लिख के ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।